टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आज लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के जरिए ही किया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी कंपनी का कामकाज हो या फिर प्राइवेट कंपनी का। पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के डेटा का आदान प्रदान किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर हो रहा है। और यूजर्स की डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन या दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट होकर रहती है। जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों करोड़ों यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक और डेटा थेफ्ट के शिकार बन रहे लोगों की खबरें मिलती रहती है। इसीलिए यूजर्स के डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इंटरनेट के यूजर्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूजर के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज के इस वीडियो में हम आपको साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं और इसका इस्तेमाल करने के क्या लाभ होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल पर स्वागत है, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से बना है, पहला है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। तो जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क्स, एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है, उसे हम साइबर कहते हैं, जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स सुरक्षित रहे। आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूजर अपने महत्वपूर्ण डेटा को हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की मदद से यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, फिर जरूरी फाइल्स और डेटा की चोरी करते हैं और उसके बदले पैसे की मांग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी तरह के क्राइम को करना साइबर क्राइम कहा जाता है, और जो ये क्राइम करते हैं उन्हें अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी चीजें, ऐसे सारे महत्वपूर्ण डेटा को एक्सेस करने के लिए, और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं कई तरह के मालिशियस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट, क्रेडिट कार्ड की चोरी, फ्रॉड आदि आते हैं। ऐसे हैकर्स और साइबर क्राइम से इंटरनेट यूजर्स के डेटा को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके द्वारा साइबर सुरक्षा की जाती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी ऑनलाइन रखी गई फाइल, मोबाइल डेटा, हमारी ऑनलाइन दी गई सारी जानकारियां सुरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क और एप्लीकेशन भी सुरक्षित होना चाहिए। और अब हम जानेंगे आगे साइबर अटैक या साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया इंटरनेट में इस तरीके से डूब चुकी है कि वो हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही कर रही है। अधिकांश कंपनीज आज कंप्यूटर डेटाबेस पर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है, और हम सभी अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो इससे हमारे डेटा और जानकारी जोखिम में होती है, एक रिस्क रहता है। और इस बात की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर देश में साइबर सिक्योरिटी का अलग से कानून बनाया गया है, जिसका मकसद है इंटरनेट के माध्यम से होने वाले हाई टेक अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सभी इंटरनेट यूजर्स को इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कितने प्रकार के साइबर अटैक होते हैं, जिससे कि तुरंत ही हम साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे अधिकारियों को सूचित कर सके। तो चलिए अब हम अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वायरसेस। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है, जिन्हें विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है।
वायरस सही समय में अपने आप को कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और यूजर्स की अनुमति या ज्ञान के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं और डेटा चुरा सकते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर मालवेयर का एक समूह है जो पॉपअप मैसेजेस को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। लुभावने एड्स का उपयोग करके हैकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है और जब कोई यूजर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो हैकर उस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, फिर या तो इम्पोर्टेंट डेटा या फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर डेटा चोरी कर लेता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को हानि रहित या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और मालिशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन हॉर्स अन्य वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। एक ट्रोजन सिस्टम की फाइल्स तथा डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक कर सकता है। आगे चौथे नंबर पर है रैंसमवेयर। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधियों के द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइल को काफी नुकसान पहुंचाता है, फिर उसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया होता है उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। नंबर पाँच पे है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स का उपयोग आमतौर पर यूजर से निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है और ये एक तरह का फ्रॉड होता है जिसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को भेजे जाते हैं जिससे कि उन्हें ये लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का मकसद जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन डिटेल्स। साइबर सिक्योरिटी हमें अपने नेटवर्क या सिस्टम को सुरक्षित करने की परमिशन देती है जिसमें महत्वपूर्ण या संवेदनशील डेटा के साथ काम करना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी की प्राथमिक भूमिका गोपनीय डेटा की सुरक्षा करना है जिसे केवल ऑथराइज्ड यूजर द्वारा एक्सेस किया जाना है। और अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के इस्तेमाल करने का क्या लाभ होता है। साइबर सिक्योरिटी के कई लाभ हैं। इसके द्वारा हर स्तर पर नेटवर्क को इंटरनेट पर होने वाले बाहरी खतरों से बचाया जा सकता है जिससे एक आम यूजर सुरक्षित होकर के अपना काम नेटवर्क और इंटरनेट पर कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के कुछ अन्य फायदे भी हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी बाहरी हमलों से ऑर्गेनाइजेशन या यूजर्स के नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यूजर को इंटरनेट पर अच्छा प्रदर्शन मिले और अपने महत्वपूर्ण डेटा के बारे में वो सुरक्षित महसूस करें। डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है जिससे महत्वपूर्ण डेटा लीक या चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। इंटरनेट पर हजारों तरह के डेटा डेटाबेस में रखे जाते हैं, जैसे मरीजों के डेटा, छात्र के डेटा, व्यापार का डेटा आदि। तो ये सभी अत्यधिक गोपनीय डेटा को अनऑथराइज्ड पहुंच से सुरक्षित रखना ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके, इस बात की गारंटी साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करके प्राप्त हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट, मिलिट्री, कॉरपोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन काफी तरह के डेटा को इकट्ठा करते हैं और उस डेटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेज में रखते हैं। इन डेटा का कुछ भाग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है जिसकी चोरी होने से किसी की निजी जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की मदद से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। मालवेयर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है जिससे हर प्रकार के थ्रेट्स का खतरा रहता है, जैसे वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर। और आगे अब हम साइबर सिक्योरिटी में करियर विकल्प के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे लोगों की कंप्यूटर और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के बढ़ने से इस क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञों की मांग बढ़ गई है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और जिन्हें साइबर लॉ का ज्ञान है। जनता के लोगों में हो रहे क्राइम को रोकने के लिए जो कानून और पुलिस होते हैं वो साइबर अपराधों को रोक पाने में नाकाम रहे हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र में साइबर एक्सपर्ट के लिए बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न हुई है। अगर आप भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास करने के बाद इसके किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही कानून की डिग्री ले रखी है उन लोगों के लिए एक बेहतरीन फील्ड साबित हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नौकरियों की सूची है, जैसे चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सोर्स कोड ऑडिटर इत्यादि। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल ही के वर्षों में साइबर अपराध भी कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण
भारत में साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसीलिए साइबर अपराध को रोकने के लिए कंप्यूटर के महान विशेषज्ञों को रखा जाता है, जिससे कि कोई भी जरूरी फाइल्स को हैक ना कर सके और महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रहे। उम्मीद है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये जानकारी आपके काफी काम आई होगी और काफी कुछ समझने को मिला होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।